सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसका बेटा आराम शाह तख्त नसीब हुआ, जो कि बसियो अरी सल्तनत का अहल साबित नहीं हो सका और एक साल के अंदर ही सल्तनत टुकड़ों में तकसीम हो गई। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में तख्त नसीन हुआ। उसने ताजुद्दीन यल्दोज को, जो पंजाब पर कब्जा जमाए बैठा था, उसे शिकस्त देकर पंजाब का इलाका वापस ले लिया। उसने नासिरुद्दीन कवाचा को शिकस्त देकर सिंध का इलाका भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ख्वारजमी शहजादा जलालुद्दीन मगवनी मंगोलों से हार कर इल्तुतमिश के पास मदद को आया, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की मदद करने से मना कर दिया। इस तरह उसने अपनी अकलमंदी से हिंदुस्तान को मंगोलों के हमले से बचा लिया। इसके बाद उसने बिहार और बंगाल की बगावतों को दबाया। उसने राजपूतों पर हमला करके रणथंभौर, ग्वालियर और उज्जैन को फतह कर लिया। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की वफात हो गई।